ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। छोटे छोटे ब्रेक, अभी एविएशन की हमने खबर ली, सभी चीज एक चीज पे आकर रुक रही है, वह समय। लेकिन एक समय जो किसी के लिए टिकता नहीं है, किसी के लिए बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन वो आज बढ़ने जा रहा है, वह मार्केट का समय। ये कई दिनों बाद, कई सालों बाद बढ़ने जा रहा है। कितना बढ़ सकता है पता नहीं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या आपके मन में अगर कोई संशय है ना, तो आप संदीप को सुनिए। संदीप को सुनेगा, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, फिर जानेंगे कि देखिए क्या मुश्किल और क्या फायदा होने वाला है। संदीप बताएं, समय बढ़ रहा है? बढ़ना तो है, निश्चित बात है, लेकिन कब बढ़ेगा ये देखने वाला एक बात है। 2009 के बाद, जो आप पूछ रहे हैं कि कब के बाद हो रहा है, दिसंबर 2009 में ये हुआ था, जब 9:55 पे बाजार खुलता था, उसे जो घटाकर है 9 बजे से कर दिया था। हालांकि इसे भी का निर्देश जो था वो 9 से 5 बजे तक का था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए फिर से ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि आज SMAC यानी कि सेबी की जो सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है, उनकी बैठक है, जिसमें जो सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो शेयर बाजार है उसको किस तरह से और एफिशिएंट बनाया जाए, क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, इसके ऊपर विचार होने वाला है। और इसमें जो बदलाव की बात हो रही है, उसमें हो सकता है कि जो ट्रेडिंग टाइमिंग्स हैं, जो बाजार खुलने का समय है, उसको लेके भी जो विचार है वो हो सकता है। और अब हम जो पिक कर रहे हैं, जो आज बैठक हो रही है, उसमें एजेंडा में ये चीज़ शामिल हो सकती है। हालांकि इसका ऐलान हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कई सारी एंटिटीज हैं, आप मैं तो शामिल हैं ही हैं, जिनके लिए जाहिर सी बात है कि समय बढ़ेगा तो थोड़ा सा अगर आप देखिए चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन चाहे आप मार्केट एक्सपर्ट्स की बात कीजिए, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कीजिए, ब्रोकर्स की बात कीजिए, इन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ विचार विमर्श के बाद ही पूरा जो फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन हम जो पिकअप कर रहे हैं, जो एजेंडा है इस बैठक का, उसमें हो सकता है कि आज जो समय बढ़ाने की बात है, जिससे 5 बजे, 5:30 बजे या तो फिर 7:30 बजे किया जा सकता है, ये आज इस बैठक में शामिल हो रहा है। 5, 5:30, 7:30 ये टाइमिंग निकल के आ रही है जो कि बढ़ने वाली है। मेरे साथ तीन मेहमान हैं, ब्रजेश हैं, गौरांग शाह हैं, आशीष चतुर्मोता हैं। इन तीनों से हम बातचीत कर रहे हैं, तीनों मेहमानों से। तो खैर अभी समय पे मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक बार ना पहले आपको SGX निफ्टी दिखा देता हूँ। ये 10,000 के ऊपर आ गया है। अभी हम शुरू से ही सुबह 7 बजे से आपको लगातार SGX निफ्टी दिखा रहे थे, अभी SGX निफ्टी 10,000 के ऊपर आ गया है। 10,006 का स्तर है, 60 अंकों की बढ़त है। अब आ जाते हैं इस टाइमिंग वाले मुद्दे पर। गौरांग, ये समय बढ़ गया तो होगा क्या, आपके और मेरी टाइमिंग दोनों बढ़ जाएगी? सर, टाइमिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन टेंशन, ब्लड प्रेशर और जो एक सुकून होता था वो मेरे ख्याल से घूम तो ये तो ठीक है ना, डिप्पी ये लग रहा है क्या करना चाहते हो आप, मेहरबानी करके। फार्मा कंपनीज के लिए तो अच्छी खबर है, मेरे को लग रहा है यूएसए नहीं आएगा तो चलो सेबी कहता हम ठेका ले लेते हैं। ऐसे करके भी क्या बढ़ाएंगे आप अपना कामकाज और नतीजे, किसी की सेहत खराब करके जानबूझ के। लेकिन बहरहाल मैं ये समझना चाहता हूँ डिम्पी कि आपका क्या धैर्य है इसके पैसे, आपका क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हो? और अगर आप ये कहते हो कि आपको विश्व भर के मार्केट के साथ से जुड़ना है, तो भैया आप 24 घंटा चालू रखो फिर। खैर, 24 घंटे की बात है, इस पे तो हम बातचीत अभी करेंगे, मैं आपसे जानूंगा आशीष आपसे भी। लेकिन इस बीच मेरे साथ RC भार्गव जुड़ चुके हैं, मारुति के चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार। भार्गव जी शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। जितना हमने GST का सर अभी तक सेस बढ़ने की खबर देखी, उससे लग रहा है कि शायद मारुति को सबसे कम असर आएगा। लेकिन फिर भी सर, मैं आपकी तरफ से जानना चाहता हूं, आपने सेस की कुछ कैलकुलेशंस की होंगी, कितना फर्क मारुति को आ रहा है और किस किस गाड़ियों पर आ रहा है सर? देखिए, ये जो फाइनली तय किया है GST काउंसिल ने, तो इनने जो टैक्स रेट्स GST के पहले थे लगभग उनको वापस कर दिया है। अच्छा, तो उससे जो गाड़ियों के दाम होंगे, मेरा अंदाजा यह है कि मोर और लेस जो दाम प्रिवेल कर रहे थे GST आने के पहले, वही दाम वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारी गाड़ियों में तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं था, जरूर ये CS वगैरह थोड़ी सस्ती हो गई थी, वो अब वापस हो जाएंगी, 2% का फर्क पड़ेगा। और इसलिए मैंने जो कहा है अभी तक, यही कहा है कि इस सेस को बढ़ाने से, जो मीडियम का तो बढ़ाया है, हम पे कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इंडस्ट्री को भी मेरे ख्याल से अब्सॉर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो चीज पहले प्रिवेल कर रही थी वो अब प्रिवेल करेगी। लेकिन सर, जो चीज पहले प्रिवेल कर रही थी, हम GST से सोच रहे थे, समझ भी रहे थे कि शायद थोड़ा ऑटो इंडस्ट्रीज को फायदा भी होगा अब, लेकिन इसका मुद्दा ये भी तो बन गया ना सर, GST से कोई फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, फायदा तो होगा, क्योंकि इनपुट क्रेडिट्स मिलेंगे। पहले इनपुट क्रेडिट्स इतने पूरे नहीं मिलते थे, सिर्फ
उसी स्टेट में खरीदने के इनपुट क्रेडिट्स मिलते थे, अब ऑल इंडिया से खरीदने के इनपुट क्रेडिट मिलने लगेंगे, लॉजिस्टिक्स में फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, मगर ये जो टैक्स रेट्स हैं इसमें तो कभी ये ख्याल नहीं था गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट कभी कहा नहीं था कि हम जीएसटी की वजह से टैक्स रेट्स कम कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा भार्गव जी, एक और चीज समझनी चाहिए, अभी फेस्टिवल सीजन जो आ रहा है इस पे टिपिकली गाड़ियों के डिस्काउंट होते थे, अब ये दाम बढ़ रहे हैं सेस के, ये कुछ ऐसा मैनेज किया जाएगा कि डिस्काउंट और सेस आपस में क्लब हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और गाड़ियों के दाम ज्यादा ना बढ़े? मान लीजिए कोई गाड़ी 50,000 महंगी होने वाली थी और 50,000 का डिस्काउंट आ जाए। भार्गव जी आप सुन पा रहे मेरे को? चलिए, इनफैक्ट जिन्होंने कहा कि जो कार्स है ना, सियाज, एस क्रॉस, अर्टिगा, वो मिड साइज कैटेगरी में आती हैं, तो कोई बड़ा फर्क तो पड़ा नहीं है जो जीएसटी का सेस इंप्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन जो लग्जरी कार्स है ना, जहां पर 5% है, उसके बाद एसयूवी जहां पर 7% सेस आई होगी, उनके कारण हो सकता है थोड़ी बहुत डिमांड इम्पैक्ट होती हुई नजर आए। अगर डिमांड इम्पैक्ट होगी ना डिम्पी, तो जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 7% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो ट्वीकिंग ऑफ रूल्स है, अभी तो जीएसटी मात्र इंप्लीमेंट ही हुआ था, उसके 1-1.5 महीने में ही आपने यहाँ पर जो ट्वीक कर दिए रूल्स, तो ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। क्लियर रोड मैप की जरूरत है समय इंडस्ट्री को। ठीक है, भार्गव जी से वापस बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और अगर उनसे वापस संपर्क होता है तो जरूर एक बार देख लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने हमको ये बार रखी है कि जीएसटी का वैसे उनको बेनिफिट मिला है क्रेडिट के तौर पर, कुछ लॉजिस्टिक का बेनिफिट उनके पास आया है, लेकिन वही रेट वापस आ गए जो प्री जीएसटी थे, यानी कि जीएसटी से पहले थे। अब जीएसटी आने के बाद और इस तरह की सेस बढ़ने के बाद हम उसी जगह पर वापस आके खड़े हो गए हैं। गौरांग, इस पर आपका व्यू चाहिए। अभी भार्गव जी इनफैक्ट मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। सर, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि अभी फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले ये सेस बढ़े और कुछ गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे, अभी फेस्टिवल सीजन को आप मैनेज कैसे करेंगे? ये सीधा पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर्स को या फिर डिस्काउंट के तौर पर एडजस्ट हो जाएगा? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये चीज जो है वो एक मैन्युफैक्चरर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है और गाड़ियों के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है कि कितना डिस्काउंट होगा या नहीं होगा। अब हमारे कई के 3 गाड़ियां हैं कम से कम जो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट पर हैं, लंबी वेट, तो मेरा ख्याल है कि उसमें अभी भी डिस्काउंट नहीं है, बाद में भी डिस्काउंट, अभी जब फेस्टिवल सीजन होगा डिस्काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट देने का तो कोई मकसद निकलता नहीं है जब उसकी सप्लाई शॉर्ट है और कस्टमर्स वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। मगर जहां पर मैन्युफैक्चरर को ये कोशिश करनी है कि पुराने अपने स्टॉक्स कम करने हैं या ज्यादा बिक्री करनी है क्योंकि कैपेसिटी सरप्लस पड़ी हुई है, वहां पर जरूर वो डिस्काउंट देते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन में गाड़ियां ज्यादा बिक जाती हैं। तो ये चीज का कोई जनरल रूल नहीं है। लेकिन भागा साहब, मैं अपने सहयोगी से भी यही बात कर रहा था कि अभी तो जीएसटी इंप्लीमेंट ही हुआ था, तो इतनी जल्दी जो पॉलिसी ट्वीक की गई, एक तो वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए कैसी है, और इस पॉलिसी में ये भी जोड़ लीजिए ई व्हीकल्स की अब नई पॉलिसी की बात हो रही है, 2030 तक कंप्लीटली टर्न अराउंड होना है ऑटो इंडस्ट्री को, तो ये जो पॉलिसी में बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हिंदुस्तान में आनी है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, और इसको लाने का काम सरकार का भी है और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री का भी है कि इंडस्ट्री भी इसके तरफ ध्यान दे कि इलेक्ट्रिक कार्स को कैसे कस्टमर्स के हित में बना के लाई जाए जल्दी से जल्दी। तो मैं जो गवर्नमेंट ने इस वक्त थ्रस्ट किया है वो मेरे ख्याल से बड़ा टाइमली थ्रस्ट है, और दोनों को, गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को, इसमें मिलके काम करने की जरूरत होगी, तभी रिजल्ट्स सही आए। इसमें कोई कन्फ्रंटेशन वगैरह किस्म की बात होने लगी तब तो नहीं हो पाएगा ये काम। अच्छा। और साथ साथ चलना है, ये काम दोनों के हित में है। पर सर, अभी तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल के हिसाब से सीएनजी को ही कम्प्लीटली हमने आते हुए नहीं देखा है, ये जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, इसके लिए क्या इंडस्ट्री तैयार है, क्या कैपेसिटीज, क्या इकोसिस्टम तैयार है इंडस्ट्री का, और क्या मारुति सुजुकी इस पे अग्रेसिवली काम कर रहा है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अब सिलसिला सबने सीरियस किया है, तो उसके तरफ सबको ध्यान दे के उसके आप आगे चल के कैपेसिटी बढ़ानी, तभी समय लगेगा इसमें, एकदम से तो नहीं आएंगी, तो इसमें कुछ साल लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा मात्रा में बनाने की
कस्टमर्स को बेचने की, मगर काम शुरू होना चाहिए अब। अच्छा, तो ये बता दीजिए भार्गव साहब कि मारुति सुजुकी की फर्स्ट लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम कब तक आते देखेंगे, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से तो M&M ही काफी अग्रेसिव है इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, इस पर्टिकुलर एरिया में। मारुति सुजुकी की फर्स्ट लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कब तक आ सकती है ऑन स्ट्रीम? समय नहीं है ये बताने का, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक, जैसे मैंने कहा, इसमें आप सब कंपनी पहली बार सीरियसली ध्यान दे रही है, और जब वो अपना प्लान बनाएंगी पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए कई काम करने पड़ेंगे, तो जब तक एंड और इम्प्लीमेंटेशन का शेड्यूल नहीं बन जाएगा, तब तक ये गाड़ी लाने का डेट लाइन या कुछ चीज देना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भार्गव जी, आखिरी सवाल, मैं थोड़ा फेस्टिवल सीजन पे वापस आ रहा हूँ। इस फेस्टिवल सीजन में आपकी तैयारी कितनी है, और दूसरा, इस तरह का बाजार अब तैयार है आप इस बार भी, इस बार के फेस्टिवल सीजन में भी ऑटो सेल्स में एकदम से शूट अप दिखेगा? फेस्टिवल सीजन हर एक साल कोई नई चीज नहीं है, हर एक साल इसकी जो तैयारी करनी होती है, व्हीकल स्टॉक बढ़ाने का, वो सब होता ही रहता है, इसमें कोई नया काम नहीं करना। ठीक है, शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए हमको। आप ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट एक बार ऐसा सेगमेंट होगा जिस पे पूरी इंडस्ट्री को तैयार होना होगा। मारुति को सबसे कम गाड़ियों पे असर पड़ रहा है, जो GST से बढ़ाया गया, अभी GST की बैठक के अंदर हैदराबाद के अंदर हुई है। और एक और चीज़ है जो कि मारुति से बता रही है कि हो सकता है अपनी वेटिंग वाली गाड़ियों पे तो डिस्काउंट अभी नहीं दे, लेकिन जो नॉन वेटिंग वाली गाड़ियाँ हैं तो उस पे हो सकता है इस बार फेस्टिवल सीजन में कुछ स्ट्रेटजी बन जाए मारुति की तरफ से, तो उस पे आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। मेरे साथ आशीष चतुर्मोदा हैं, गौरांग शाह हैं, और साथ ही ब्रजेश हैं, जिनसे हम समझ रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना है। मैं अभी ऑटो को ही बढ़ाने चाहता हूँ। एक बार गौरांग, आपका व्यू चाहिए मारुति पर, मारुति की मैनेजमेंट को भी आपने सुना, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला हिस्सा है ये M&M को ज्यादा फेवर करेगा, या फिर मारुति इतना स्मार्ट है कि इसको अच्छी तरह से रिकवर कर जाएगा? पहले तो मारुति, M&M और टाटा मोटर्स, ये तीनों ही जो चौपहिया बना वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी, उस पर खरीदारी की राय पर करार है। और मेरे ख्याल से कुछ ही समय पहले जब गणेश जी विराजमान हो रहे थे, तभी आप ही के चैनल पर शो किया था विघ्नहर्ता शेयर्स, मेरे ख्याल से दीपाली जी थी, और एक शेयर मारुति का मैंने सुझाव दिया था लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए, और वो आज भी बरकरार है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ सरकार के साथ और मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ कि आपको ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, क्लीनर फ्यूल्स और ग्रीनर फ्यूल्स के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा भी देना चाहिए इंडस्ट्री को। ये नहीं कि आप एक दिन खड़े होकर के फटकार दे के मैं आपको बुलडोज कर दूंगा, मेरे ख्याल से ये सही बात नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग पॉइंट्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड आई थिंक उसको किसी तरह की रियायत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को, इन कंपनियों को देनी पड़ेगी टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस।